I hope यार आप काफी बेटर होंगे आप लोग एंड यू गाइज मस्ट बी प्लानिंग फॉर डिसेंबर अटेम्प्ट विद फुल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म. क्या होता है यार कुछ भी करो काफी कठिन होता है एक स्टूडेंट के लिए एक बार एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं होके उन्हीं किताबों से वापस पढ़ना. एंड दैट इज वाई वी आर हियर. आप लोगों के जो कमेंट्स थे ऑन द फर्स्ट वीडियो ऑफ अ हेल्पिंग हैंड आई रेड ऑल द कमेंट्स यार, है ना. और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस प्रकार से गाइड करूं कि आप सबकी 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 मदद हो. और अगर नहीं भी हो पाती आपको लगता है कि किस तरह से आपका इशू कवर नहीं हुआ यार तो आप इस वीडियो के अगेंस्ट अंदर भी कमेंट कर सकते हैं. एंड मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द मैं इसके अब आगे भी एक और एपिसोड 3 ले आऊं जिसके अंदर के कमेंट्स हों. तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स थे एपिसोड 1 के नीचे वो इसी बारे में थे यार दैट सर बहुत मेहनत की थी 100% दिया था फिर भी क्लियर नहीं हो पाया अब मन नहीं लगा. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो सबसे पहले ही आ रहा दैट कहीं ना कहीं मन तो लगाना ही पड़ेगा. हमें खुद को समझाना होगा दैट ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है. जब हम इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किए तब हमने एक अनसेड इनविजिबल अंडरटेकिंग साइन की थी कि आप हमें तोड़ना पीटना आप हमें जो करना है वो करना बट एट द एंड ऑफ द डे हमें एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल निकाल के बाहर भेजना. तो ये उसी अंडरटेकिंग का एक पार्ट है. That is why we always say कि to clear a professional examination, it's not just the intelligence. उसके साथ में बहुत सारी चीजों का मिश्रण चाहिए जिसमें से एक होता है patience, perseverance. अगर एक व्यक्ति वो सब बांध के रखता है अपने साथ में ना तब जाके person gets through. Just be a little patient and I think वो जो emotionally आप एकदम overridden होंगे वो थोड़ा सा control में आया होगा. And I think you guys must be feeling far better now. You guys must have started your preparations for this. तो सबसे पहले यार आपने आपको समझाना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है. अगर शिखर तक पहुंचना है तो चलना जरूरी. भले हम धीरे चलेंगे भले कभी बीच में गिर जाएंगे लेकिन चलना जरूरी है. अगर आप कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे तो यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू रीच द टॉप. ऐसा नहीं होगा किसी बच्चे के साथ कि वो चल रहा है शिखर तक नहीं पहुंचे. तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए दिसंबर में एंड यू गाइस आर गोइंग टू सेल. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अगर 10,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है उनमें से इंस्टीट्यूट ने 1,000 बच्चों को पास किया इसका एक कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ 1,000 बच्चों ने मेहनत की होगी अच्छे से 4,000-5,000 बच्चों ने लेकिन इंस्टीट्यूट का मानना है कि 1,000 क्लियर हो जाओ ये तुम 4,000-5,000 तुम्हारा नंबर अगली बार लगेगा. यू हैव टू एंश्योर कि आप उसी झील से उसी मेहनत से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और डिसेंबर 4 डोंट बी डिसहार्टेंड. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स. अपन को डबल एनर्जी के साथ में भिड़ना है और एग्जामिनेशन देना. ठीक है यार पहली चीज. दूसरी चीज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमने एग्जाम तो दिया है हमने लिखा है हमें मार्क्स मिला बट वी आर कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड विद द मार्क्स कि ये तो मार्क्स हमारे आ ही नहीं सकते. उन बच्चों के लिए क्या है उन बच्चों के लिए है वेरिफिकेशन. आई जस्ट ट्राई एक्सप्लेन यू सर्टिफाइड कॉपी वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन में डिफरेंस. जब आप अप्लाई करते हैं सर्टिफाइड कॉपी के लिए तब इंस्टीट्यूट आपको आपकी कॉपी का प्रिंट आउट करके और भेजता है. बिल्कुल ठीक है. प्रिंट आउट करके नहीं भेजता है आपकी कॉपी को स्कैन करके आपको भेजता है ताकि आप उसको देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी फैशन में. सेम चीज अगर आप इंस्टीट्यूट पे जाके नोएडा में जाके चेक करना चाहते हैं दैट विल बी टर्म्ड एज इंस्पेक्शन. तो इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपी का पर्पस तो सेम हो गया तो इंस्पेक्शन हटा दो. ठीक है. एंड द सेकंड वन इज वेरिफिकेशन. उसमें कॉपी को प्राइमा फेसी देखा जाता है और कहीं भी मार्क्स बढ़ रहे हो तो बढ़ाए जाते हैं. कोई टोटलिंग एरर है कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ है तो ये सब चीजें चेक करके आपके अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ाए भी जाते हैं. ये है वेरिफिकेशन. तो एनी स्टूडेंट हु इज कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड कि मेरे तो ज्यादा मार्क्स बनते ही थे दैट पर्सन शुड गो फॉर वेरिफिकेशन. सर क्या वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ते हैं? जी हाँ बहुत कम केसेस में बढ़ते हैं बट जेन्युइनली बढ़ते तो हैं. आई हैव सीन वेरियस केसेस जिसके अंदर वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़े. जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी पेपर बहुत अच्छा हुआ था हमारा ये जो मार्क्स तो हम पक्का डिजर्व नहीं करते हैं वो बच्चे वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं. और ये सर्टिफाइड कॉपी तो जो पर्पज सर्टिफाइड कॉपी से सर्व होता है वही आरटीआई से हो जाता है. तो आप बच्चे आरटीआई के ऑप्शन से भी जा सकते हैं काफी इकोनॉमिकल हो जाता है वाला ऑप्शन तो यू कैन गो विद आरटीआई ऑल्सो. यहाँ तक कि आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करके साथ में आरटीआई के लिए भी जा सकते हैं. टू माय लिमिटेड नॉलेज आप दोनों चीजों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन एज वेल एज आरटीआई. तो मस्ती से यार अप्लाई करो एंड उसमें अगर आपको कहीं भी मार्क्स बढ़ने की संभावना है तो वहाँ पर बढ़ जाएंगे. बट अ रिक्वेस्ट चाइल्ड मेक देयर इज उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को रोकिएगा मत. एनश्योर दैट यू स्टार्ट योर स्टडीज. ठीक है. दूसरी बात तीसरी बात यार जो भी बच्चे ऐसे ना जिनको लगता था कि अब सर फेल तो हो चुके हैं वी हैव एक्सेप्टेड इट कोई वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अपीयर फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन वो बच्चे आरटीआई से कॉपी जरूर मंगवाओ
एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि आपके किस क्वेश्चन में आपको 5 में से 4 मिले और किस क्वेश्चन में 5 में से 1 मिले. तो यू विल नो हाउ टू राइट एंड स्पेशली मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ नॉट टू राइट. तो RTI से पक्का कॉपी मंगवाइए, उसको जब आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे इंसाइट मिलेंगे फॉर योर डिसम्बर एग्जामिनेशन. जो बच्चे मान चुके हैं कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, दिल लगा के पढ़ना ही है, RTI से 100% कॉपीज मंगवाइएगा अपने लास्ट अटेम्प्ट की और फिर आगे की प्रिपरेशन शुरू करिएगा. ठीक है यार, ये तीन चीज. चौथी चीज, बहुत सारे बच्चों का इस चीज़ को लेके भी सवाल था कि हमारे इतने इतने मार्क्स आए हैं सर इस टाइम में, तो अब हमें एक ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप या प्रोफेशनल है तो तीनों. देखो ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे हिसाब से कोई आपको जवाब नहीं दे सकता. ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए. अगर आप मुझसे पूछे मेरा ओपिनियन तो वो क्या है यार, अगर आपके दो ग्रुप या प्रोफेशनल तीन ग्रुप है और सबकी क्लासेस वगैरह हो चुकी है, एक बार आपने अटेंड बोथ का या तीनों का दे दिया है, यू आर डन विद इट एक बार, और सिर्फ रिवाइज करके देना है, तो यू शुड 100% गो फॉर ऑल द ग्रुप्स. 100% गो फॉर ऑल द ग्रुप्स. अगर आपके दोनों ग्रुप हैं एग्जीक्यूटिव के और प्रोफेशनल के, तीनों ग्रुप उनकी पूरी प्रिपरेशन एक बार हो चुकी है, क्लासेस वगैरह कुछ देखना बाकी ही नहीं है, देन यू शुड गो फॉर ऑल द ग्रुप्स. हाँ, लेकिन अगर किसी ग्रुप की क्लासेस बाकी है और अब अगर आप सोचते हैं कि बचे हुए 3 महीने में आप क्लासेस भी कर लेंगे और एग्जाम भी दे देंगे तो कठिन होगा, देन यू शुड गो फॉर 1. सिंपल, ये मेरा सुझाव रहता है. आप अपने लास्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए हैं इसके बेस पे कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको अगला अटेम्प्ट में एक ग्रुप देना चाहिए. यू शुड जस्ट सी हाउ प्रिपेयर्ड आर यू, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू. इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्रिपेयर्ड, देन यू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स मस्ती से. बट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ यार, जो बच्चा एक ग्रुप के लिए पढ़ेगा वो भी पास हो सकता है, जो बच्चा बोथ ग्रुप के लिए पढ़ेगा वो भी पास हो सकता है, प्रोफेशनल में है कोई तीनों ग्रुप के लिए पढ़ेगा वो भी पास हो सकता है. सर फिर फेल कौन होगा? फेल वो व्यक्ति होगा जो एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, डेली चेंज करता है, एक दिन है दो दिन है, एक दिन है दो दिन है, एक दिन है दो दिन है. अगर आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे तो आपकी पढ़ाई शुरू ही नहीं होगी, और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपको यही सोचेगा एक दिन है दो दिन है. तो सबसे पहले लॉक लगाओ और चाबी फेंक दो, टेक अ डिसीजन, एंड देयर इज नो रॉन्ग डिसीजन, दोनों डिसीजन सही है, जो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है अपनी सिचुएशन में अपने सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो डिसीजन लो, लॉक लगाओ और चाबी फेंको, फिर उस डिसीजन को किसी भी हालत में चेंज नहीं करना. इफ यू एबल टू डू दैट 100% चीजें लगा दो, डिसंबर इज गोइंग टू बी योर अटेम्प्ट एंड वी आर देयर फॉर यू. रिविजन, मैराथन, सब चीजें तूफान तरीके से लाएंगे आपके लिए, वी आर देयर विद यू. इतनी तूफान प्रिपरेशन करेंगे डिसंबर की कि 100% हम क्लियर होकर निकलेंगे, बट फर्स्ट डिसीजन हैज टू बी टेकन एट योर एंड कि आपके ग्रुप्स कैसे अप्लाई करें. ठीक है, ये बहुत 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 अहम. इसके अलावा बहुत 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 सारे बच्चों के सवाल थे विद रिस्पेक्ट टू रिविजन अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो आप निश्चित रहो MCS, IBC, इन दोनों के लिए मैं सेपरेटली वीडियोस लेकर आऊंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन डिसंबर के लिए. MCS के लिए तो स्पेशली आई विल ब्रिंग अ वर्कशॉप एंड ऑल टुगेदर जिसमें कैसे सरप्राइजिंग पेपर को हैंडल करना मसे. CRI के लिए भी डिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैं रिविजन्स लेकर आऊंगा, तो स्टे रिलैक्स. एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सिक्योरिटीज लॉ, फंडिंग, जो भी सब्जेक्ट्स CRI में पढ़ाता हूँ ना, उन सब के आप लोगों के लिए तूफान अमेंडमेंट लेक्चर्स और तूफान रिविजन सेशंस हम लोग लेकर आएंगे. तो आप स्टे रिलैक्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बस ये ध्यान रखो ये कब आएंगे, ये सही समय पे. तो उसके पहले आप बच्चे क्या करके रखिए, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखो. आपकी प्रिपरेशन हुई भी है तो आप अमेंडमेंट्स, तो आप रिविजन सक्सेस देख सकते हो. कोई व्यक्ति ऐसा है कि नहीं सर मेरी तो अभी प्रिपरेशन हुई है, या फिर मुझे तो पढ़ाई शुरू करने के लिए आपके अमेंडमेंट लेक्चर चाहिए, तो आई विल मेक अ प्लेलिस्ट, और वो प्लेलिस्ट बहुत जल्दी मैं हर जगह पोस्ट कर दूंगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एवरीवेयर, और मैं कोशिश करूंगा तब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्लेलिस्ट लगा दूं, तो मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड रिविजन्स हैं जो आप आराम से दिसंबर के लिए देख सकते हैं. तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमने प्रिपरेशन भी आपके रिविजन से शुरू करना चाहते हैं, वो बच्चे अभी जो रिविजन यूट्यूब पे है वो देखो, 100% देयर एप्लीकेबल फॉर दिसंबर. एंड फर्दर फ्रेश तूफान नया कंटेंट भी मैं कुछ यूट्यूब पे पक्का लेकर आएगा यार बहुत जल्द, बट उसके लिए आपका पहले सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बाद में रिविजन की बारी आती है. ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्टे रिलैक्स, सब सब्जेक्ट के लिए तूफान चीजें आपके लिए आती रहेंगी. ठीक है यार, ये सब चीजें थी. हाँ, दो और अहम चीजें थी जिसपे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था. एक हो गया रहा स्विच ओवर के लिए. मेरा पर्सनल सुझाव ये है दैट यू शुड राइट नाउ नॉट गो फॉर स्विच ओवर. डिसंबर अटेम्प्ट आपके हाथ में है, डिसंबर अटेम्प्ट दो, आपको एक ग्रुप देना है, दो आपको, दो ग्रुप जैसा आपको लगता है डिसंबर अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दो. उसके बाद में जनवरी से यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू मॉड्यूल. अगर आप स्विच ओवर का सोच रहे हैं तो जनवरी से यू कैन प्लान अहेड, लेकिन अभी तो आई थिंक व्हेन यू हैव डिसंबर अटेम्प्ट तो आपको डिसंबर अटेम्प्ट देना चाहिए. मेरा पर्सनल जनरल सजेशन है, हो सकता है किसी स्टूडेंट के पर्सनल केस के अंदर स्विच ओवर वुड मेक मोर सेंस. जैसे कि मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, उस बच्ची का CS प्रोफेशनल के एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर मॉड्यूल 3 भी क्लियर है और CRI में भी एग्जम्पशन है,
मॉड्यूल 3 भी क्लियर है, बस सीआरएम में भी एग्जम्पशन है। तो करंट सिलेबस में अगर व्यक्ति चाहता है तो उसको ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स देने। सो रैदर व्हाट आई सजेस्टेड, इससे मतलब द पर्सन वांटेड टू स्विच ओवर, तो वहां पे मेरा सुझाव है कि सही बात है, इफ यू स्विच ओवर देन यू हैव टू राइट ओनली वन ग्रुप देयर ना, आपको सिर्फ एक ग्रुप देना होगा 4 सब्जेक्ट्स का, तो काफी सेंसिबल हो जाएगा, आपको पूरा मॉड्यूल 2 से एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में स्विच ओवर मेक सेंस, और अदरवाइज जनरली स्पीकिंग मेरा सुझाव रहता है कि अभी स्विच ओवर मत करो, दिसंबर जी जान से दो एंड फिर आप स्विच ओवर के बारे में सोचिएगा जनरली। दैट्स माय जनरल सजेशन, बट ऑब्वियसली ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे इसके बाद में भी कोई सवाल रहेंगे, तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही यारा मुझे समय परमिट करेगा, मैं उन सब बच्चों के भी कमेंट्स को प्रॉपरली रीड करके और रिस्पॉन्ड करूंगा। आई विल ट्राई एंड हेल्प यू एज मच एज आई कैन, एंड मी क्या द एंटायर टीम इज देयर टू हेल्प यू गाइज एज मच एज वी कैन। जितना हो पाएगा यारा हमारी तरफ से 100 की जगह 200% किया जाएगा, एंड दिसंबर वी ट्राई एंड मेक श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी योर लास्ट। Let's try and work hard for December together, right? एक और टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, I'll address that also, then we'll wrap up this video. बहुत सारे बच्चे थे जो इंस्टीट्यूट के चेकिंग पैटर्न से बहुत डिससेटिस्फाइड थे, तो बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली फेयर कि हम ये विचारधारा रख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के चेकिंग प्रोसेस के अंदर कुछ परेशानी है, बट इट इज अनफेयर कि आप उस ग्राउंड पे अपने इमीडिएट करियर डिसीजन, यू कैन हैव एन ओपिनियन बट आप अपने करियर डिसीजन उस पर डिपेंडेंट नहीं रख सकते कि कॉपीज डीप से चेंज हो चेक हो रही है तो मैं डिसंबर नहीं दूंगा। अगर मान लेते हैं कि कॉपीज के करेक्शन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप भी है, तो ट्रस्ट मी कि वो इंप्रूवमेंट, अगर कुछ गलती हुई है तो वो गलती अगले अटेम्प्ट में नहीं होगी, आपने यही मान के पढ़ाई करनी होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि कॉपीज सक्सेस चेक नहीं हो रही तो हम पढ़ाई नहीं करें, जी 100% कुछ कॉपीज के अंदर चेकिंग के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी, एंड दैट इज आई एम सजेस्टिंग यू टू गो फॉर वेरिफिकेशन आरटीआई, बिकॉज वंस यू गेट अ कॉपी, तो अगर आपके 48 हैं तो इंस्टीट्यूट अगर आपको 18 दिए तो उनको चेक चेंज करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। अगर आप वेरिफिकेशन में अप्लाई करते हैं ना आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स को 100% बढ़ा ही देगा। तो एट दिस जंक्चर यू शुड 100% स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर डिसंबर, एंड साथ में आपने अप्लाई कर देना चाहिए यारा फॉर योर वेरिफिकेशन और आरटीआई, जो भी आप कॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस समय पे भावुक मत होइए, एंड फर्दर मी क्या ऑल ऑफ द टीचर्स हैड रिटन मेल्स पहले भी आईसीएसआई को, तो उसके अंदर दो चीजें तो चेंज हो ही रही है इमीडिएटली। सबसे पहली चीज जो चेंज हो रही है वो आपके 15 मिनट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है यार, दैट्स अ ग्रेट थिंग, एंड ऑब्वियसली मतलब इट इज रियली हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार है आईसीएसआई का कि उन्होंने ये 15 मिनट्स वाली चीज को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया। साथ में एक और चीज रहती है कि हर एग्जाम के लिए एक दिन की छुट्टी, और उसमें बहुत सारे ऑपरेशनल इशूज हैं। आई होप वो भी एक रिक्वेस्ट है जो बहुत समय से चल रही है टीचर्स के साइड से, तो आई होप वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाए। और तीसरी थी कि जो चेकिंग के अंदर डिस्क्रिपेंसी उस पर काम किया जाए, तो आईसीएसआई ने उनकी तरफ से अभी कुछ महीनों ही पहले ऐसे बताया था कि अब पूरा का पूरा पेपर चेकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा, इट विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मार्किंग स्कीम दी जाएगी चेकर्स को, एंड इट विल बी फार 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 बेटर। सो एवरीवन हू इज राइटिंग एग्जाम इन डिसंबर हैव दैट फेथ कि कॉपीज आर गोइंग टू बी चेक्ड इन अ फार बेटर फैशन इन द कमिंग ईयर। सिर्फ इस मानसिकता से जाओ यारा, एंड इन यू गाइस आर गोइंग टू डू ग्रेट, हैव दैट पेशेंस, हैव दैट फेथ, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड यारा, एंड इफ एट ऑल देयर इज एनी हेल्प यू गाइस नीड, आपको लगता है कि कोई भी और सवाल है जो कि आंसर नहीं हो पाए इंटरव्यू के माध्यम से, आप इसके नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल सर्टेनली एंश्योर कि मैं उस पर भी आपको रिस्पॉन्ड करूँ। आई सिंसियरली होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल, एंड यू गाइस आर गोइंग टू एस द डिसंबर एग्जामिनेशन। बिट जाओ यारो, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। एक स्टूडेंट का जो जुनून होता है उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो लो जरूर हो सकता है, बट देन इट्स टाइम राइट नाउ टू गेट बैक। तो गेट बैक यारा, एंड ऑब्वियसली कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग, मेक मी प्राउड, मेक योर टीचर्स प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरी वन अराउंड प्राउड, ठीक है? तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, रुकना नहीं है यारों, एंड इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारी तरफ से, रिविजन वीडियोज, अमेंडमेंट, सब चीजें आते रहेंगे। तो जस्ट एंश्योर कि आप अपनी तरफ से पढ़ाई शुरू कर दें। नाउ इट्स पीक टाइम, अच्छे से पढ़ो यार, एंड इफ देयर इज एनीथिंग मोर यू कैन कमेंट, एंड आई विल ट्राई कि उस पर भी मैं मेरा पूरा जवाब दूँ। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। टेक केयर यार, बाय बाय।